डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वां जन्मोत्सव पर अंबेडकर पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मंच को संबोधित करती मीना सिंह अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य राधा वाल्मीकि पंथनगर अंजना सहगल महामंत्री रोहताश कुमार जयप्रकाश सिंह नेत्राम सिंह जयराम सिंह रघुवीर सिंह एमपी सिंह मुन्ना लाल डॉक्टर हरनंदन ऋषिपाल सिंह ओपी सागर। इस अवसर पर अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने कहा साहब को जितने खिताब मिल चुके हैं वह आज तक देश में किसी और को नहीं मिल पाए हैं। बाबा साहब की ही देन है जो देश अकाल बाढ़ से बचा हुआ है। उनके द्वारा ही जगह जगह बाढ़ रोके जाने के लिए बांधों का निर्माण कराया गया। उन्होंने कहा अगर बाबा साहब को बनाया गया कानून देश में लागू कर दिया जाए तो देश में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बाबा भीमराव अम्बेडकर समिति से जुड़े लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जो दिमाग की उपज है क्योंकि पहले तमाम बाढ़ आती थी और तमाम लोग हमारे मर जाते थे, बहुत कम समय में बाबा साहब ने तमाम बाढ़ ऐसे बनवा दिए कि अब बाढ़ नहीं आती। बहुत विषम परिस्थिति में बाढ़ आती है, नहीं तो बाढ़ नहीं आती। LIC के जनक बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब के नाम इतने रिकॉर्ड है कि अभी तक किसी पूरे संसार में किसी व्यक्ति के नाम इतना रिकॉर्ड नहीं है। तो बाबा साहब विश्व स्तर पे माने जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं और बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब मिल चुका है और तमाम देश बाबा साहब को अलग अलग उपाधियों से नवाज रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन अफसोस ये है कि बाबा साहब का बना हुआ संविधान अभी तक लागू नहीं हुआ। हम जो है इस देश की वर्तमान सरकार से भी और आने वाली सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं कि बाबा साहब का संविधान केवल 1 साल के लिए लागू कर दो, इस देश में कोई समस्या नहीं रहेगी।